नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्विंग ट्रेडिंग की एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी की, जिसको हम बताएंगे आपको किस तरह से जो ऑपरेटर होते हैं वो बाइंग करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन भी बाइंग कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगा। ये टेक्निक 10%, 15% एंड 20%, 20%, ये तीन स्ट्रेटजी से हम इस पे प्ले करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में मैंने एक लिस्ट बनाई है जो काफ़ी अच्छे बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे कि हमारा बजाज फाइनेंस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, अबाउट इंडिया हो गया, लाइक दैट। ऐसे ही स्टॉक्स हैं, उन्हीं की लिस्ट है। जो अच्छे लिस्ट हैं वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जैसे कि आपको पता चल जाए कि इन स्टॉक्स में हमको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑपरेटर है वो बाइंग कर रहा है, फिर हमें भी उसके साथ बाइंग करना है। उसके साथ हम बाइंग नहीं करेंगे, उसके बाद हम बाइंग करेंगे। आप कहेंगे उसके बाद बाइंग करेंगे तो मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि उसने बाइंग कर ली है। ठीक है, तो चलिए उसी के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई है 10, 15 एंड 20%। तो 10% का क्या है, देखिए कोई सा भी स्टॉक खोल लीजिए। अभी मैंने अबाउट इंडिया खोला है, ठीक है। तो अबाउट इंडिया को ओपन खोलकर इसमें एक इंडिकेटर्स हम लगाते हैं, मतलब इंडिकेटर नहीं, मतलब मैं जैसा आपको बिना इंडिकेटर का है, ये इंडिकेटर विदाउट एनी इंडिकेटर हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना परसेंट अप आया। ग्रीन कैंडल्स की लगातार छाप पड़ेगी जब भी, उसके बाद ही हम उस स्टॉक में बाइंग करेंगे जब वो वापस अपने पोजीशन पे आएगा। तो सबसे पहले मैंने अबाउट इंडिया खोल दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको अच्छे से दिख रहा हो, ये एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, तीन ग्रीन कैंडल और चौथी भी ग्रीन ही कैंडल बनी है। इसको देख लेते हैं ये कितना परसेंट, ये 10 से, हाँ देखिए ये लगभग मैं कह सकता हूँ 10% की इसकी उछाल है। ठीक है, तो 10% की इसकी उछाल है, तो ये कभी वापस इस पोजीशन पे आया नहीं आया। ये अभी जस्ट पप्पा है, ये अक्टूबर 2022 है, तो अभी से तो ऊपर ही गया है। ठीक है, चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन कैंडल्स का कमाल। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर ये तीन लगातार ग्रीन कैंडल है, या ये लगातार, हाँ ये अभी की करंट पोजीशन में आपको मैं ग्रीन कैंडल का जादू दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक लगभग लगभग 10%, लगभग 10% की उछाल आ चुकी है। अभी ये स्टॉक नीचे जा चुका है, यानी कि अपने बॉटम पे जा चुका है, जहाँ से ऑपरेटर ने इसको बाइंग 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 करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑपरेटर ने बाइंग करा होगा, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है, क्योंकि देखो जब पैसा पंप अप किया जाता है ना किसी भी स्टॉक में, तो वो ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बनाता है, उसमें और कोई कैंडल बनती ही नहीं है। यहाँ पर हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ही छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसकी विक बहुत लंबी है, यानी कि जो ऑपरेटर था ना उसने इसको इतना खरीदा कि मतलब स्टार बना दिया, स्टार जैसा लग रहा है। ठीक, तो अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अबाउट इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर तो मैं ये अभी बैक टेस्टिंग करके और दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर करंट सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि करंट में अभी कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थोड़ा सा आराम से देखिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन समझ में आना चाहिए स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये तो चलो अबाउट इंडिया की बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये है ग्रीन कैंडल का लगातार छाप, तो यहाँ से हम यहाँ पर लगभग 5% है, लेकिन मैंने कहा है कि लगभग अपन को 10% चाहिए, 10 से 15% या 20%, ये तीन अपने स्ट्रेटेजी रहेंगी। ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला देखते हैं, यस ये ऑलमोस्ट 10% मैंने पहले कहा था। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और दिखाता हूँ कब इसने आपके पॉइंट पे आया है। तो यहाँ ये नीचे वाली लाइन देख रहे हैं ना, मैं एक लाइन भी लगा ही देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देखिए, ये हमारी, इसको हम लाल कलर बना देते हैं, ये रेसिस्टेंस, इससे नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टच किया, थोड़ा थोड़ा नीचे तो जाएगा ही यार, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। यहाँ पर ही आपको बाइंग कर लेना है, कितना भी, 1 लाख का 2 लाख का, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार बाइंग कर लीजिए। और जैसे ही ये ऊपर वाली लाइन को टच करे, ऊपर वाली लाइन जो 10% लगभग लगभग 10% का टच पॉइंट आपका आ गया, आपने मान लीजिए देखिए पहली कैंडल ही इस बॉटम को टच करे ना,
तभी आप बाय कर लीजिए, यानी कि आपने 13 फरवरी को बाय करा, ठीक है। 13 फरवरी से चलते गए चलते गए चलते गए, और ये आपका टारगेट कब अचीव हो जाएगा पता है? अप्रैल में, फरवरी टू अप्रैल, 3 3 महीने में, बस 2 3 महीने है, बिल्कुल 2 3 महीने में आपको 10% मिलना है। बैंक में आपको साल भर में 7% मिलता है, यहाँ पर 3 महीने में, यानी कि खुद ही सोच लीजिए, 3 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, 4 गुना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और ज्यादा ही। ये तो 10% का प्रॉफिट मैंने आपको जस्ट अभी एक छोटे से अंतराल पे दिखा दिया। चलिए और चलते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा बताते हैं आपको। यहाँ से तो मैंने बता दिया कि आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी इसके बॉटम पे आने के लिए, इस लाइन पे आने का आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे आपको ये मार्केट ऊपर ऊपर ही गया है, ठीक है। तो ये तो चलिए छोड़ देते हैं, और एक और ग्रीन कैंडल वाला हम जादू देखना चाहेंगे। ये देखिए 1 2 3, ये मैं हटा देता, ज्यादा लाइंस हो जाती हैं तो फिर वो समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। हाँ, और स्टॉक्स में आपको बता दूँ, शानदार स्टॉक्स हैं, उन्हीं के अंदर अपन को करना है ये काम, बाकी किसी स्टॉक्स में आपको ये काम करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि ऑपरेटर फाइंडर स्ट्रेटेजी, ऑपरेटर को फाइंड करना स्टॉक मार्केट में, और ये सारे अभी ऊपर ही गए यहाँ से। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत सारी कैंडल दिख रही है, ग्रीन ग्रीन, फिर रेड रेड रेड, तो ये क्या हुआ, ये क्या चक्कर है भैया। तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी लगभग 10% नहीं है ना, तो इसको अपन कंसिडर नहीं, 9% से तो ऊपर ही होना चाहिए थोड़ा सा, वैसे भी अगर आप इसको भी कंसिडर कर लेते, मान लीजिए कर भी लेते, तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगता, लेकिन आपको अचीव हो जाता आपका टारगेट। यहाँ पर आप खरीद लेते मान लीजिए, तो बहुत नीचे चला गया, फिर आपके टच पे, फिर टच पे, फिर टच किया, फिर ऊपर गया, दैट्स बिग टाइम। बट 21 से 22 बना दिया इसमें, 1 साल लगा 10% का, तो ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पहली भी बात तो 10% इसने अचीव नहीं किया था, तो ये तो बनता भी नहीं वैसे। चलिए और ग्रीन कैंडल्स का कुछ अबाउट इंडिया, अभी हमने लिया है इसमें, ये 8% है, तो इसको भी हम ना लें, तो ले भी लें तो यहाँ पर हम बाइंग लेंगे, और यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब इन स्टॉक्स में आपको लॉस तो नहीं होगा। मैंने इससे पहला वाला भी दिखाया था, उसमें भी आपको लॉस नहीं हो रहा था, भले कितना भी नीचे चला गया, लेकिन लॉस आपको प्रॉफिट में ही करके देगा, क्योंकि स्टॉक्स ही ऐसे हैं यार, जबरदस्त स्टॉक्स हैं अबाउट इंडिया जैसे कंपनी। चलिए मान लीजिए आपने ये वाला देखा, और ये ग्रीन। अब यहाँ पर आपने क्या किया था, देखा था कि ये ऑपरेटर की बाइंग हुई है, फिर आपने यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ से टच हो रहा है ना, तो फिर आपको मिल ही जाएगा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही जल्दी मिल गया, या तो लगभग 10 15 दिन में ही, ठीक है। तो चलिए और भी मैं स्टॉक्स दिखा देता हूँ थोड़े से, बहुत सारे स्टॉक्स हैं अपने पास, लगभग 50 स्टॉक्स हैं जो हमने इसमें डाले हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना आप कमेंट कर देना तो मैं आपको स्पेशली आपको मैसेज भी कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स का कोई कमाल आपको दिखेगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। ग्रीन, सबसे पहले मैं शुरुआत से चलता हूँ कि अभी आने वाली कोई अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं। यहाँ पर देखिए 6% है, कंसिडर अभी तो, वैसे भी अभी नीचे नहीं गया है मार्केट इसके बाद। ये टाइटन है अपना, टाइटन तो आपको सभी को पता होगा, राकेश झुनझुनवाला जी का स्टॉक है ये, और यहाँ से देखते हैं ये नीचे है। ये हालांकि देखिए, ये मैं इसको कंसीडर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें रेड ग्रीन वगैरह सब बने, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से चला था, यहाँ आया, फिर वापस यहाँ से, देखिए ये बॉटम पे, यहाँ पर फिर इसने बाइंग की, फिर। तो ये तो खैर बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, इनमें आपको मतलब जब भी नीचे जाए ना खरीद लेना, सीधी सी बात, इन स्टॉक्स में कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें हम बताना चाह रहे हैं कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, ये आपको समझ में आ जाए, उसके लिए हम करना चाह रहे हैं, वरना तो इनको कभी भी आप बाय करेंगे तो आप रख सकते हैं ये स्टॉक। ये देखिए ग्रीन कैंडल का जत्था, इस जत्थे को हम पकड़ लेते हैं, जहाँ नीचे से लगाते हैं, और सॉरी उल्टा थोड़ा सा, ये ग्रीन
देखिए ऊपर तक गया था लगभग। देखिए ये तो बहुत शानदार, इसने तो 20% की उछाल दिखाई है, क्योंकि ये भले ही वो रेड कैंडल है मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई थी ना वो यहाँ से, तो यहाँ से अपन कंसिडर कर लेते हैं। तो अब देखिए जब भी इसने टच किया, यहाँ से यहाँ पर टच किया, इस लाइन पर टच किया, मैं टच पॉइंट भी आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये टच पॉइंट इसका ये टच पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको बाइंग करना है और फिर इसको धीरे धीरे चलने दीजिए, यहाँ पर आपको सेल कर देना है। सिंपल सी बात, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। कितने दिन का टाइम लगा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से आपने बाइंग करी, यहाँ से आपने सेल करा, तो लगभग 34 बार्स यानी कि एक महीना, एक महीने में आपको 20% मिल रहा है। किस स्टॉक में? टाइटन जैसे स्टॉक। इसको खरीद के मतलब जिंदगी भर के लिए भी रख सकते हैं, ऐसे स्टॉक है। मतलब मैं तो स्विंग ट्रेडिंग बता रहा हूँ आपको, बहुत बेसिक वाला। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी, देखिए यहाँ पर तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी। देखिए कई सारे हम ऑलरेडी प्लॉट करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। देखिए यहाँ से ये ग्रीन कैंडल गई थी 13%, 10%, 11%, जो मैंने आपको बताया है 10%, 15% इस पर ही हम ट्रेड करेंगे। तो ये रहा एक और, थोड़ा छोटा हो गया होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बाइंग कहाँ पर रहेगी? बाइंग रहेगी यहाँ पर इसने कैंडल, और तुरंत ही इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है यहाँ पर। कितना दिन? दिन भी क्या बताऊँ यार, 2-3 दिन। सिर्फ यहाँ से 1, 2, 3, 4, 4 डेज में, 4 दिन में आपको 10% का, 11% का प्रॉफिट मिल रहा है। ये ऐसे स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, ये ऊपर की तरह, ऊपर ऊपर की तरफ ही चलते हैं। ये स्टॉक्स की जो चढ़ाई होती है ना वो इस तरीके से होती है, ऊपर ऊपर ऊपर। और इन्हीं स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग का क्या है, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब आपने बाय किया फिर थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया, अपने पैसे वैसे थोड़े से यूज़ करे, कहीं और लगाए, इन्वेस्ट किए, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करते हैं आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और बहुत शानदार प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की और अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।